गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। मेरे गुर्जर, बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजौरी में जनसभा में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों को आरक्षण दिए जाने की तैयारी है। इसे लेकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी भी आएंगे लेकिन गुज्जर, बकरवाल का एक अंश भी नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की रैली अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों को करारा जवाब है। भारत माता की। अरे भाई, पीर पंजाल से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे गुर्जर, बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं जम्मू क्षेत्र में हूं, जम्मू में भी पूंछ और रजौरी के क्षेत्र में आया हूं। ये महाभारत कालीन पहाड़ियां ये भारत की सीमाओं का मजबूत द्वार है, मजबूत द्वार है। आज मैं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, माताओं को, गुर्जर, बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर, बकरवाल चट्टान की तरह दीवाल बनकर खड़े रहे। आने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन, मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र यह है पूंछ और रजौरी का जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना सलाम। आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि एक गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब बारी पहाड़ियों की है, पहाड़ियों को भी मिलना। मित्रों, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे, उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे
और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है, आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा, और आप खुशहाल हो देश के बाकी हिस्सों की तरह ये रजौरी और पूंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त तो हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि तीन परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मित्रों, इतनी धूम धकती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं, और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये तीन परिवारों ने अब तक आपसे छीना है, ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, इतना वादा करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।